प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाते हुए अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। बीते 9 वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। नए मेडिकल कॉलेजों और एम्स शाखाओं की स्थापना, अस्पतालों को अपग्रेड करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा आधुनिकतम इलाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इन सफलताओं के आधार स्तंभ हैं। इस उद्देश्य में अपना योगदान देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्रों में अग्रणी कार्य करते हुए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 300 क्यूरी के मेडिकल ग्रेड हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी मोलिब्डेनम 99 के उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ब्रिट द्वारा फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी की स्थापना इस दिशा में की गई एक प्रभावशाली शुरुआत है, जो भारत को ऐसी क्षमता रखने वाले विशिष्ट देशों में से एक बनाती है। मोलिब्डेनम 99 डायग्नोस्टिक रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99M का जनक होता है, जिसका प्रयोग 85% से भी अधिक डायग्नोस्टिक स्कैनों के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे न्यूक्लियर मेडिसिन का वर्कहॉर्स कहा जाता है। विभिन्न रोग प्रभावित हिस्सों पर विशिष्ट अपटेक वाले बायोमोलिक्यूल्स का उपयोग करते हुए टेक्नीशियम 99M का प्रयोग टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करते हुए स्पेक्ट स्कैन से किडनी, लीवर, हृदय और मस्तिष्क जैसे विभिन्न अंगों में रोगों के शीघ्र निदान में मदद मिलती है। 295 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी घरेलू मांग को पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरतमंद देशों की रेडियो आइसोटोप आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखता है। Our goal is to make healthcare accessible and affordable not only for our citizens but for the whole world. Reducing disparity in India's priority, serving the unserved is an article of faith for us. Medical radio isotope ke kshetra mein desh ko atmanirbhar karne ki disha mein Fission Molybdenum 99 production facility ki sthapna एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।